जिस वक्ता कथावाचक के मुख से कथा सुनो वो पहला तो विरक्त होना चाहिए, लालची ज्यादा नहीं। संतोषम परमम सुखम, जितना मिल जाए उसी में संतुष्टि करे। तो पहला तो विरक्त, दूसरा वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। सबके मुंह से कथा नहीं सुननी चाहिए, ना 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 ना, उल्टा सबके मुंह से कथा सुनने से अगर वो वैष्णव नहीं है, भगवान श्री हरि का उपासक नहीं है, तो हमारे तुम्हारे पुण्य छीन हो जाते, पाप नहीं पुण्य। वैष्णव हो, अच्छा वैष्णव किसे कहते? भगवान श्री हरि का उपासक मस्तक पर प्रतिदिन तिलक लगाता हो, शिखा रखता हो हमेशा, चोटी शिखा जिसे कहते हैं, शिखा रखता हो, यज्ञोपवीत धारण करता हो, ब्रह्मास्त्र है ये, यज्ञोपवीत धारण करता हो और कंठ में तुलसी की माला धारण करता हो, भगवान विष्णु का उपासक हो, रामचंद्र जी का उपासक हो, ऐसे व्यक्ति को वैष्णव कहा जाता है। ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुननी चाहिए।